अमानवीय चेहरा सामने आया है। उर्गा थाना में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर पर सरकारी शिक्षक के परिवार को हत्या के झूठे मामले में फंसा देने की धमकी देकर 4 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि मौत के 8 पुराने मामले में उर्गा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर RL टहरिया द्वारा बेवजह उसे थाना प्रभारी के सामने पेश करते हैं। इसके बाद थाने के पीछे ले जाकर रकम की मांग की जाती है। पुलिस की प्रताड़ना से भयभीत शिक्षक ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मामले फंसा देने का बयान दबंग कर 4 लाख की डिमांड की गई, किस तरह का मामला है और क्या पता चल रहा है? आज उत्तर कुमार टंडन के द्वारा जो है प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उर्गा पुलिस में पदस्थ उप निरीक्षक रसलाल डहरिया के द्वारा 2 वर्ष पूर्व मर्ग के मामले में अपराध कायम करते हुए जेल भेजने की धमकी देते हुए 4 लाख की मांग की गई और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है पुलिस पर लगाया गया है, जिस पर जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मुझे जो है जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच के लिए सौंपा गया है और तब तक के लिए जो है उप निरीक्षक को पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया है। कितनी सच्चाई लगी उनकी बातों पर और क्या उस मामले को लेकर कोई अपराध दर्ज हुआ अभी तक? मर्ग 2 वर्ष पूर्व उसमें मर्ग कायम हुआ था जिस पर जांच जारी थी और जांच क्रम में ही प्रार्थियों को थाने तलब करके बुलाया गया था और कथन लिया गया था, उस पर अभी जांच चल ही रहा है और इस वाली घटना के बारे में जो है मुझे जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है और जांच पर के बाद ही आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक ठीक झारखंड के